अल्लाह करीम सबसे बड़ा है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब मुतलक हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल कायनात के ग़ुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा एक बहुत बड़ा तारुफ है, इबादुर रहमान कहा है अल्लाह ताला ने अपने बंदों को। हमें कहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह करीम ने एजाजात से नवाजा है। जिन लोगों के पास इतनी बड़ी निस्बतें हों, इतने बड़े हवाले हों, इतनी बड़ी ताकतें हों, उनके पास जाहिरी तौर पर अगर लोगों का जत्था ना भी हो और जाहिरी तौर पर अगर मालो असबाब वक्ती तौर पर ना भी हो, इक्तदार ओहदा और बड़े लंबे चौड़े नारे उनके पीछे नाम भी लग रहे हों, तो ये बहुत बड़ा तारुफ नहीं कि अल्लाह के बंदे हैं और रसूल करीम के ग़ुलाम हैं? और क्या ये तारुफ जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और गर्दन उठाकर जीने के लिए बहुत बड़ा तारुफ नहीं? बावजूद इतने बड़े तारुफ के अगर कोई बंदा कमज़ोर कमज़ोर बातें करे, कच्ची पक्की गुफ्तगू करे और वो अपने आप को बार बार मजलूम साबित करने की कोशिश करे, वो बार बार अपने ज़ख्म दिखाए ताकि वो काबिले रहम करार पाए, तो ये बातें एक मोमिन को, एक मुसलमान को, अल्लाह के एक बंदे को ज़रा ज़ेबा नहीं देती, ज़रा अच्छा नहीं लगता। मुसलमान असाबी तौर पर, जहनी तौर पर, नफसियाती तौर पर एक ताकतवर कौम है। मुसलमान वो कौम है जो मरऊब नहीं होती, ये रोब दिखाती है, रोब। हम वो लोग हैं कि जिनके अकाबरीन सोए भी होते थे ना, सोए होते थे हजरत उमर, लेकिन उनको सोए हुए देखकर भी लोग कांपा करते थे, इसलिए कि शेर तो शेर ही होता है ना, वो सोया हो तो फिर भी शेर ही। तो मैं कुछ अरसे से इस कमी को बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ कि लोग, यानी कोई शख्स भी मिलता है तो वो इस लहजे में बात करता है कि उसे मजलूम मान लिया जाए, काबले रहम मान लिया जाए, उसकी मदद की जाए, उस पर तवज्जो की जाए। ये मुसलमान की शान नहीं। आप सूरह बकरा पढ़ेंगे तो कुरान मजीद असहाबे सुफा की शान बयान करता है कि उन्हें बड़ी हाजत है, बड़े ज़रूरतमंद हैं। वो लोग थे जो कई कई दिनों तक रोटी नहीं खाते थे, लेकिन रब फरमाता है कि मेरे महबूब के मदरसे के उन तालिबुल्मों को जो देखेगा उसे महसूस होगा कि ये तो बड़े अमीर लोग हैं। क्यों क्यों महसूस होगा? ला यसअलूना नासा इल्हाफा, ये लोगों से लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते, कशकोले तलब नहीं दराज करते, ये अपने पर्दे को कायम रखते हैं, खुददारी, इज्जत नफ्स, वकार, खुदी। हमारे यहाँ तेजी से इन चीज़ों का आज जो है वो यूं महसूस होता है जैसे कहत हो गया है। इल्ला माशाल्लाह, आपके ज़ख्म दिखाने से कोई भी आपका ज़ख्म नहीं भरेगा। बल्कि मैंने तो ये देखा है अपनी ज़िंदगी में कि अच्छा भले ताल्लुकात चल रहे होते हैं, आपको ज़रा ज़रूरत पड़ जाए तो सामने वाला आँखें फेर लेता है, उसी वक़्त उसका माहौल और उसके हालात ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अपना सारा भरोसा, अपनी सारी तवज्जो, अपनी सोचों का मुकम्मल मदार सिर्फ अल्लाह रसूल की ज़ात को बनाएं और इस अंदाज में बनाएं कि कौन देता है देने को तू चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और ये जहन बनाएं ज़िंदगी में कि रब रसूल की बारगाह से दो कतरे भी मिल गए तो दुनिया भी बन जाएगी, आखरत भी बन जाएगी। इसलिए इधर उधर देखना थोड़ा काम करें। और बिलखसूस आज अपील करूंगा उस्ताद अपने शागिर्दों को, पीर अपने मुरीदों को, बाप अपनी औलाद को, बड़ी बड़ी बातों का सबक पढ़ाए, बड़ी बड़ी बातों का। इकबाल ने शिकवा किया, इकबाल कहने लगे शिकायत है मुझे या रब खुदा बंदाने मकतब से। ये जो उन्हें कहते हैं कि जनाब पढ़ जाओगे तो रोटी अच्छी मिलेगी, ये उन्हें कहते हैं पढ़ जाओगे तो कार में बैठोगे, पढ़ जाओगे तो कोठी बना लोगे, ये क्या सबक पढ़ा रहे हैं भला?
इनको तो तुम बड़े बड़े बातें बताओ, इन्हें कहो पढ़ोगे तो दुनिया में हुजूर के दीन का इनकलाब बरपा करोगे। तुम इन कहो कि तुम पढ़ोगे तो तुम एक पूरा पूरा मुल्क चलाओगे, तुम इनकलाब बरपा करोगे। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इकबाल कहने लगे, ये तुम क्या सबक पढ़ा रहे हो कि रोटी सही मिल जाएगी, चंदा इकट्ठा करने का तरीका आ जाएगा। कहने लगे, शिकायत है मुझे या रब खुदा वंदा ने मकतब से, सबक शाही है और बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। उड़ने वाली तालीम थी और ये उन्हें रींगने का सबक पढ़ा रहे हैं। तगड़ी तगड़ी बातें बच्चों को सिखाओ, तगड़ी तगड़ी। ये फिर सारे ना ढूंढते फिरें कि वो फलाना जो है ना चाचा अमीर है, तो मामू अमीर है, तो फलानी खाला बार है, तो फलाना जरा मेहरबान। कोई भी नहीं मेहरबानी करता। मेहरबानी जब भी करता है या खुदा करता है या मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफा करते। अपनी तवज्जोहात कभी भी बच्चों को देखे। हजरत लुकमान अपने बेटे को क्या कहते हैं, कहते हैं, या बुनैया किमिस सलात वामुर बिल मारूफी वनहा अनिल मुनकर। हजरत लुकमान अपने बेटे को समझाते हैं, कहते हैं, ऐ बेटा नमाज कायम करना, लोगों को भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, वसबिर आला मा असाबक, और जब मुसीबत पहुंचे तो सब्र करना, इधर उधर रोना धोना ना करना। नमाज पढ़ना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और अगर कोई मुसीबत पहुंचे तो उस पर सब्र करना। कितने काम हो गए? चार। एक नमाज पढ़नी है, एक भलाई का हुक्म देना है लोगों को, एक बुराई से, और अगर कोई मुश्किल आए तो क्या करना है। इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। फरमाया, बेटा ये बड़ी हिम्मत वाले काम है। हिम्मत वाले काम करना, हिम्मत वाले, ताकतें अपनी कायम रखना, कमजोर ना पड़ना, लोग तुम्हारे आंसू ना देखें, कोई तुम्हें तड़पता ना देखे। छोटा छोटा जख्म लेकर लोग सिग्नल पे खड़े, छोटी छोटी मजबूरियां लेकर लोग मांगने के लिए दरवाजों पर खड़े हैं। उम्मत मुस्लिमा का ये मिजाज नहीं, ये वकार नहीं, ये अंदाज नहीं। हम तो बांटने वाले लोग। चले मुश्किल आ जाती है, जिंदगी में जरूरियात पड़ जाती हैं, कर्जा से आबा भी ले लिया करते थे, लेकिन ये जो लहजे आज हमने इख्तियार कर लिए, कमजोर हो जाना, कच्चा पड़ जाना, गरीबी का रोना रोना, ये अंदाज अहले ईमान का। बच्चों को ताकतवर होना चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कमजोर है तो वो नापसंदीदा है। ये नहीं फरमाया कि जो बुजदिल है तो वो बड़ा कोई कटा हुआ आदमी है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे, ताकतवर मुसलमान ना अल्लाह की नजर में बुजदिल मुसलमान से ज्यादा प्यारा है। ताकतवर है ना, इसकी शान ज्यादा है। ये जो बा हिम्मत है, बा हौसला है, जिसके आसाब मजबूत हैं, ये रब करीम की बारगाह में बावकार है, अल्लाह के हुजूर इसकी कदर है। और हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को दुआएं सिखाया करते थे और तालीम उम्मत के लिए खुद भी हुजूर वो दुआ फरमाया करते थे। कहते थे, ऐ अल्लाह बुजदिली से बचा, कंजूसी से बचा, ऐ अल्लाह उस बुढ़ापे से बचा जो इंसान को बड़ा परेशान कर दे। हुजूर दुआएं मांगा करते थे। देखिए, बीमार इंसान हो जाता है, अगर वो सोचे ना रब की तरफ से है, तो फिर बीमारी का लोग बड़ा मज़ा लेते हैं, क्योंकि जब बंदा बीमार होता है तो नफसानी ख्वाहिशात सारी ख़त्म हो जाती हैं। और मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि बात चीज़ें ऐसी हैं जो वजद में ले आती हैं बंदे को, अगर वो गौर करे तो। आप ये हदीस पाक सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीमार के साथ ज़िद ना करो कि ज़रूर खा, ज़िद ना करो, इसलिए कि अल्लाह उसे खिला भी देता है, पिला भी देता है। अब जब किसी को पता चले कि मैं बीमार हूं तो रब मुझे खिला पिला रहा है, तो मुझे बताइए बीमारी कितनी प्यारी लगेगी, बीमारी में कितना सुरूर आएगा। फिर तो इंसान हमेशा चाहेगा कि मुझे वो चीज़ें मिले जो मुझे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के करीब कर दें। दूसरी बात यह है कि मैदान में जब इंसान उतरता है ना, तो उसे एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि जीत और हार ये अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है, लेकिन जब वो लड़े तो जीतने के लिए लड़े। हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग लड़ने से पहले ही हारे हुए होते हैं, मैदान में निकलने से पहले ही वो कमजोर बातें कर रहे होते हैं, अभी सफर शुरू नहीं होता।
वो कह देते हैं नहीं जनाब आपकी बात तो ठीक है पर कैसे होगा, क्यों कर होगा, लोग तो आजकल चलते ही नहीं, बड़े मसले ख़राब हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातें सुनकर बंदे बैक गियर लगा लेते हैं, और मैंने देखा बातें करने वाले वहीं रहते हैं और काम करने वाले कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ये यकीनी नहीं कि जीतेंगे, लेकिन जब मैदान में उतरे ना तो फिर हमेशा जीतने के लिए उतरे। कोशिश करें कि मैंने इस अंदाज में निकलना है कि मैंने ना जीतना है। हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से किसी बंदे ने पूछा, हुजूर आप हर मैदान में कामयाब क्यों रहते हैं? फरमाने लगे जीत हार तो रब करीम के दस्ते कुदरत में है, लेकिन जब मैं उतरता हूं ना मैदान में तो मैं दुश्मन देख के पहले ही फैसला कर लेता हूं कि मैंने इसके पेट में खंजर मारना है कि गले पे, मैं जीतने के लिए मैदान में उतरता हूं। तो आप देख लेना दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। क्यों? कि कहते हैं मैं ज़हन बना लेता हूं कि मैं इसे काट के लाऊंगा, मैं डरता और सहमता हुआ मैदान में नहीं उतरता। ज़हन होता है कि आज लड़ूंगा तो जीतूंगा, आज मैं देखे मैं क्या करता हूं। हौसला नहीं पैदा कर पा रहे बच्चों में, कुछ बच्चे भी अल्लाह खैर करे अज़्म हिम्मत वाले लोगों के पास बैठते नहीं। और दूसरा हम अपने बच्चों का किसी को आइडियल भी नहीं बनने देते। बच्चे किसी का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं पुत्र छाट पर आ, ये दौर ही नहीं है। हम कोई ऐसा जौक, कोई मिजाज, कोई तबीयत पैदा ही नहीं होने देते। कुछ आने वाली नस्ल का मिजाज है कि वो उठना नहीं चाहती, बैठना नहीं चाहती, चलना नहीं चाहती, वो चाहती है मैं लेटी रहूं, मोबाइल मेरे हाथ में रहे, बाकी सारे काम रिमोट कंट्रोल हो। जब इंसान देखे ना, एक डॉक्टर साहब के पास एक दफ़ा मैं गया तो एक मरीज को वो समझा रहे थे, उसे कह रहे थे कि तू थोड़ी वर्जिश भी किया कर, थोड़ी वर्जिश भी किया कर। और साथ उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कहने लगे अल्लाह ताला ने ना जिस्म में जोड़ बनाए हैं, ये घुटने हैं, ये कोनियां हैं, अल्लाह ने जोड़ बनाए हैं, इसीलिए तो बनाए थे कि थोड़ी इनको हरकत भी दी जाए। लेकिन अगर आप इन जोड़ों को हरकत ही नहीं देंगे तो ये तो जांगा लूद हो जाएंगे। तो काम जिंदगी में अज़म के साथ, हिम्मत के साथ, और सबसे बड़ी मजबूती ये है कि आप यहां से मजबूत हो, आप आसाबी तौर पर मजबूत हो। ये जो कमजोरी है ना, ज़हनी कमजोरी, मैं नहीं पसंद करता कि मतलब ख़वातीन बच्चों को इसलिए डराएं कि बेटा ओहो हो बिल्ली आ गई है। बिल्ली क्या होती है जी? लेकिन जो ख़वातीन आज भी बच्चों को बिल्ली से डराएंगी, अच्छा उसको डरा बिल्ली से रही होती हैं और साथ कह रही होती हैं मामा का शेर, ये आपका शेर बिल्ली से डरता है, ये अम्मा का शेर बिल्ली से डर रहा है, आपने इसे बिल्ली से डरा दिया और नाम शेर रख दिया है, ये कैसा शेर है कि जो बिल्ली आती है तो भाग जाता है? ये माहौल मतलब मुतजाद है। ये काकरोच देखकर चीखे मारना ना, ये बर्गर फैमिली होने की अलामत है। छिपकली देखकर ना चीखे मारना, ये अमीर घरों की अलामत है, पढ़े लिखे लोगों की अलामत। ये क्या मजाक है? जो कौम छिपकली से डरती है, काकरोच से डरती है, और जो लोग कहते हैं ओहो ये जनाब ये तो अंदर मेरे वो आ गया टोका तो ये खा जाएगा, तो ये कौम इनकलाब बर्पा करेगी, ये मैदानों में निकलेगी। बड़े खूबसूरत अंदाज में वीडियो बना के तो उसको शेयर किया जाता है कि वो जी कुर्बानी वाले दिन बकरा जिबा हो रहा था तो बच्चा रो पड़ा। क्या बात करते हैं आप? ये याद करेगा बच्चा कल को जो बकरे जिबा होने पर रोता है? आसाबी मजबूती, ज़हनी तौर पर मजबूत कब होती है? जब इंसान अखलाकन मजबूत होता है, उसकी तबीयत वजादार होती है, उसका मिजाज उसे मजबूत करता है। आप एक हदीस देखें, तिर्मिजी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया तो जमीन हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बनाकर, किले बनाकर जमीन में लगा दिया तो जमीन ठहर गई। फरिश्ते फौरन अर्ज गुजार हुए कि मालिक तेरी सबसे ताकतवर मखलूक ये पहाड़ है? फरमाया नहीं, लोहा जो है ना वो पहाड़ों से भी ताकतवर है, क्योंकि लोहा पहाड़ को काट देता है। या अल्लाह फिर लोहा सबसे ताकतवर है? फरमाया नहीं, आग इससे भी ताकतवर है। क्या आग सबसे ताकतवर है? तो फरमाया नहीं, पानी भी है। क्या पानी ताकतवर है? फरमाया हवा भी है, जो पानी का रुख फेर देती है। मुसलमानों खुदा रा इससे बड़ा जौक नहीं मिलेगा, मैं ताकतवर होने का तरीका बता रहा हूं।
हमारे यहां लोग समझते हैं कि मैं बोलता ज्यादा हूं इसलिए मैं ताकतवर हूं, मेरे पास असला ज्यादा इसलिए मैं ताकत। ये देखो हुजूर ने बताया ताकतवर कौन होता है। या रसूलल्लाह पत्थर पहाड़ ताकतवर है, तो फरमाया नहीं उन पर तो लोहा है, लोहा ताकतवर है, नहीं उस पर तो आग है, आग ताकतवर है, नहीं उस पर तो पानी है, पानी ताकतवर, उस पर तो हवा है। तो हुजूर फिर मेहरबानी करें बताएं ताकतवर कौन है। तो ये देखो ना, ये याद रखो ना, ये कायनात के सबसे बड़े हिकमत वाले महबूब की बात याद रखो ना। हुजूर फरमाने लगे सबसे ज्यादा ताकतवर वो मोमिन है जो सीधे हाथ से सदका देता है और दूसरे को पता भी नहीं लगने देता। इस हाथ से सदका दिया और इस हाथ को पता, जिसमें ये अखलाकी ताकत आ जाए ना कि अल्लाह के रास्ते में देखकर फिर उसे छुपाना आ जाए, बड़ा ताकतवर आदमी। मैं ये सबसे बड़ा ताकतवर है जिसने अपने रब से राज नियाज शुरू कर लिए, अल्लाह के रास्ते में देता है फिर किसी को खबर। ये कौन सी ताकत है? ये रूहानी ताकत है, ये अखलाकी ताकत है, ये किरदार की ताकत, ये सोचों की ताकत है, ये आपके मिजाज के बुलंद होने की ताकत है। लेकिन अगर मस्जिद में टाइलें लगवा कर भी एक टाइल पे नाम लिखवा लिया है, अगर कहीं ताबुन करके भी कहा मेरा जिक्र करो, कोई खिदमत करके कहा मेरा नाम लो, फिर आप कमजोर हैं, फिर आप ताकतवर नहीं हैं, फिर आपने बुजदलों जैसा काम किया, फिर आपने वो रंग इख्तियार किया है जो शायद आपको जहनी तौर पर बड़ी कोफ्त में मुबतला कर दे। तो आसाबी ताकत, आसाबी कुव्वत, आप देखें हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला हुजूर ने तरबियत की थी ना। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि तासुब की ऐनक ना किसी ने पहनी हो, वरना कायनात में इश्क की दास्तान खत्म हो जाती है जनाब सिद्दीक अकबर पर। जो प्यार उन्होंने मदीने वाले महबूब से किया है को कर ही नहीं सकता। और हर वक्त की जुदाई, हर वक्त की, यानी बैठे बैठे ना हुजूर के विसाल के बाद बैठे बैठे हजरत सिद्दीक अकबर उठ के ना तो एक रास्ते पे चलना शुरू हो गए। किसी ने पूछा वो वक्र कहाँ जा रहे हो, कहने लगे यार एक दिन ना महबूब दो तीन दिन के लिए कहीं गए थे, इस रास्ते वापस आए थे। जिन्हां दे दिल पर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिस दा नाम विछोड़ा। परेशान हूँ तो दिल कर रहा पता नहीं यहाँ से आ ना जाए। इतना ज़्यादा महबूब की ग़ुलामी और नबी पाक की मोहब्बत का ज़ौक, लेकिन आसाबी तौर पर मजबूत कितने थे। हुजूर के विसाल के बाद जिस बंदे ने अपने परों के नीचे पूरी उम्मत को संभाल लिया है ना, उसका नाम भी अबू बकर सिद्दीक ही है। ऐसे ऐसे संभाल लिया, सब संभाल, दुख सबसे ज्यादा लेकिन संभाला। कोई ज़कात का मुनकर पैदा हो रहा है, कोई खत्म नबूवत पे हमला कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया सारे लश्कर रवाना करो, जहां जहां हुजूर ने फरमाया था जिहाद करो। फरमाया जो एक रस्सी भी ज़कात की नहीं देगा वसूल करेंगे। लोगों ने कहा हुजूर हालात बड़े और तरह के हैं, कैसे काम चलेगा। हजरत उमर जैसे दलेर बंदे भी कहने लगे जनाब ये निजाम कैसे चलेगा। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे उमर तुझे तेरी मां रोए, तू बड़े मजबूत मिजाज का था, ये मुझे क्या पैगाम दे रहा है। फरमाया उमर याद रख अगर मैं मदीना मुनव्वरा में अकेला भी रह गया और जंगल के दरिंदे मेरा आके गोश्त भी नोच के ले गए, तो फिर भी मैं उन उसूलों पर खड़ा रहूंगा जिन उसूलों पर मदीने वाले रसूल ने मुझे खड़ा किया है। जरा गुंजाइश नहीं, हम यहां से मजबूत लोग हैं, यहां से जहनी बुलंदी जहनी पुख्तगी, ये हुसन है जिंदगी का। ये क्या बात हुई, परसों फैसला कोई और था, सवेरे प्रोग्राम कोई और बन गया, कल फलाने का मुरीद था आज मुझे फैज नहीं मिला इधर जा रहा हूं, परसों फलाने को उस्ताद बना बैठा था आज मेरा प्रोग्राम बदल गया है, कल मेरी सोचें और थी आज मेरी सोचें और हैं। जो कौम सारी जिंदगी तायुन ही ना करे वो काम कैसे करेगी, जो रस्ते का आगाज ही ना करे वो मंजिल पर कैसे पहुंचेगी। तो कमजोर बातों से निकले, बुजदिलाना सोचों से बाहर आए, तय करें जिंदगी में ये कुछ हमने करना है। मैंने कहा है निकले मैदान में जीतने के लिए, फिर रब की मर्जी है, फिर अल्लाह की मर्जी है। सारी जिंदगी सहाबा पर कर्ज रहा, कर्जे भी रहे, खिदमतें भी होती रही, जिहाद भी होते रहे,
ड्यूटियां भी होती रहीं, सारे काम ही होते रहे। हमारा ये मिजाज है, एक दो खा गया है सारी खुशियां ही गई, बस सारा कुछ खत्म कर बैठते हैं। तो थोड़ी सी ना मजबूत देखें। अच्छा, ये हजरत अबू बकर का हाल है, तो जनाब उमर की कैफियत क्या है? कलमा पढ़ते ही हजरत उमर ने फरमाया, फरमाया या रसूलल्लाह, जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा है, तो छुप के नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? फरमाया अभी तादाद ही कोई नहीं, 40 तो मुसलमान है। अर्ज की, हुजूर मेहरबानी करें ना, आप सिर्फ इजाजत दें। 20-20 लोगों की सफे बना दी गई, एक सफ के आगे हजरत उमर है, एक सफ के आगे हजरत अमीर हमजा है। जनाब उमर कहने लगे, चूंकि आप अल्लाह के रसूल हैं तो लिहाजा नमाज भी आज अल्लाह के घर में ही पढ़ी जाएगी। तो हजरत उमर बैतुल्ला शरीफ के बीच खड़े होकर नारा लगाते हैं, फरमाते हैं मैं उमर हूं, तुम मुझे भी जानते हो, मेरे बाप को भी जानते हो, तुम मेरा कबीला भी जानते हो, मैंने पढ़ लिया है महबूब का कलमा। अब जिसने बच्चे यतीम कराने हो और अपनी बीवी बेवा करानी हो, वो आए और मुझे रोके, ये महबूब अल्लाह के हैं और घर भी अल्लाह का है, तो नमाज भी आज अल्लाह के घर में पढ़ी जाएगी। जब तक इंसान यहां से ताकतवर नहीं होता, फिर बात आई सैयदना उस्मान गनी की, मैं पहला वहां उन्हें रिंदा तो जिन्हें खुली बगावत की थी, है पूरा कबीला और तरफ है, उस्मान तेरे घर में माल है, दौलत है, वजादारी है, लोग सारे क्या करेंगे, वालिद मुखालिफ, चचा मुखालिफ। हजरत उस्मान गनी जैसे आदमी को पकड़ के बांध दिया गया घर में, पर उस्मान गनी कहने लगे मैं उन बुजदिलों में से नहीं हूं जो मोहब्बत भी करें और इजहार भी ना कर सके, जो दावा भी करें और फिर उनके अंदर ताकत इजहार भी ना हो। फरमाया तुम जितना बांध सकते हो बांध लो, तुम अपनी दौलतें, हुकूमतें और अपना जाहो जलाल संभाल के रखो, हमने तो गुलामी का फैसला कर लिया है। और फिर की गुलामी उन्होंने। और जहां तक बात है शेर खुदा हजरत अली उल मुर्तदा की, हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा का तो ये हाल था कि सारी जिंदगी मैदान में रहे, एक दिन हुजूर ने सिर्फ फरमाया कि आज आपको नहीं लेके जाना, आप थोड़ा ना मेरे नायब बनकर, हुजूर किसी ना किसी को नायब बना के मदीने में छोड़ के जा, एक दिन सिर्फ कहा नहीं लेके जाना। तो हजरत मौला अली रोने लगे, कहने लगे हुजूर मैं बच्चों के बीच रहूं, औरतों के बीच रहूं, मेरी तलवार को जंग लग जाएगा, हुजूर मुझे तो घोड़े पे बैठना पसंद है। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी अर्ज करूं, पहले भी मैंने कहा था फिर कहता हूं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं बहादुर नहीं होते। हजरत अली के इल्म का भी कमाल उरूज पे और बहादुरी भी पूरे उरूज पे। जिंदगी ना बहादुर लोगों की होती है। ये शहाबुद्दीन गौरी लेटे हैं यहां सुहावा में, तो किसी ने पूछा उनसे कि यार आप कहां रहते हैं, कहने लगे मैं घोड़े की पुश्त पे होता हूं, हमारे बच्चे बड़ी सोनी फोटो बनाते हैं, इनसे पूछें आजकल आप क्या करते हैं, तो कहते हैं मोबाइल चलाते हैं, आप क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं, आप क्या करते हैं, कहते हैं वो ना मुझे ऐसा ऐसा अजीब मसला है मोबाइल का कि बच्चों की ना, मतलब मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर इन्हें कुछ 4 घंटे मोबाइल से लहदा रहना पड़ा ना, तो हो सकता है कि इनको डॉक्टर को भी दिखाना पड़ जाए, इतनी खूब बुरी हालत हो गई। मुझे ढेर सारे दोस्त कहते हैं जी आप टेलीफोन पे मिलते नहीं, मैंने कहा मैं पहले मिला करता था जब तक लोगों की जेब में मोबाइल था, जब से लोगों ने हाथ में पकड़ लिया ना, तो फिर तो एक एक दिन में 100-100 नंबर मिलता है, तो फिर आप कैसे मोबाइल पे रहेंगे, फिर तो एक ही काम है, या फोन सुनेंगे या कोई और काम करेंगे। तो थोड़ी सी हिम्मत वाली जिंदगी गुजारें। बुजदिलाना बातें, कमजोर बातें हमारे बच्चों को भी कमजोर कर देंगी, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला, ये मदीना मुनव्वरा में पैदा होने वाले सबसे पहले बच्चे हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला के नवासे हैं, हुजूर के फुफो जनाब सफिया के पोते हैं, और अशरा मुबशरा सहाबी हजरत जुबैर बिन अवाम उनके बेटे, शुरू से ही बड़े बहादुर थे। एक दिन कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे, तो एक शख्स ने आके ना चीख मारी, डराया, सारे बच्चे भाग गए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहने लगे क्यों भागते हो, अब चीखों से भी डरोगे, वापस आओ सारे, मैं तुम्हारा अमीर हूं, आओ जरा इस पर हमला करें। हम सारे भागे और ये अकेला खड़ा रहे। उस पर हमला किया, वो डराने वाला खुद डर के भाग गया। थोड़ा सा ना मिजाज, ज़ेन, तबीयत, देखे ना बदतमीजी और चीज का नाम है, लेकिन गुफ्तगू का मजबूत होना ये और चीज का नाम है।
बच्चों को जब पूरी तरह यहाँ तो हम उनको इस कदर ज्यादा कमरों में बंद रखते हैं कि जब वो निकलते हैं बागी हो जाते हैं, या फिर ये होता है कि उनके अंदर जो सलाहियतें होती हैं वो पूरी तरह दब जाती हैं, वो जो कैफियात होती हैं जो एक मर्दाना वस्त में होनी चाहिए उनके अंदर मौजूद नहीं होती। इकबाल कहते हैं, आई ने जवा मर्दा हक गोई यो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। और ये जो सहमे सहमे दोस्त हैं ना, बिलखसूस गरीब तबके से, उनसे मैं अर्ज करूंगा, कभी किसी की गाड़ी देख कर मरूब नहीं होना, कभी किसी के महंगे कपड़ों के रोब में नहीं आना, कभी नहीं। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते, कभी कमज़ोर ना पड़े और जगह जगह अपने दुख भी ना बताएं, जगह जगह अपने दुख ना बताएं, हिम्मत करें, हिम्मत करें। और एक शायर ने कहा था कि बा हिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। वो ना मैदानों में रहते हैं, कमज़ोर ना पड़े। ये जो इतना लंबी लिस्ट बन गई है ना, इतनी लंबी लिस्ट मांगने वालों की, इतना लंबी फहरिस्त हो गई है हर सिग्नल पे, हर चौक में, हर रश वाली जगह पे, ये बताती है कि लोग इसको आर ही नहीं समझते, कमज़ोरी नहीं समझते, ताकत वाला मिजाज। हज़रत उमर बहादुर थे तो बहादुर लोगों को पसंद भी बड़ा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर छोटे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, और ये वही हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर हैं जो बाद में इमाम हुसैन के कातिलों के सामने डट के खड़े हो गए। और इन्होंने एलानिया उन लोगों का बाइकाट भी किया और उन लोगों के साथ सफारा भी हुए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर। और फरमाते हैं कि मेरी माँ 90 साल से ज्यादा उम्र थी हजरत अस्मा बिनत अबी बकर की, जब मैंने उन्हें कहा ना अम्मा वक्त आ गया शहादत का, तो मेरी अम्मा मुझे कहने लगी पुत्र मैदान में रहना, मैदान में। बकरे को ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, जब उसकी खाल उतारी जाए फिर कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसे ही कमजोर ना पड़ना। हमारे यहाँ तो लोग कहते ना पुत्र अंदरों कुंडी ले ला, साड़ी नहीं लड़ाई, वो जब हमारे घर आग आएगी फिर उसे हम बंद करेंगे, अभी ना तू बिल्कुल बाहर ना निकल। कैसे कौम आगे बढ़ेगी, जुर्रतें कैसे पैदा हों, और जो कुछ कह नहीं सकते वो मनवाएंगे कैसे, जो बात करने की ताकत नहीं रखते वो अपना मनवाएंगे कैसे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला नो अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहे थे, जनाब उमर फारूक आ गए, हजरत उमर फारूक का जलाल था, बच्चे उनको देख के दौड़ गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर खड़े, हजरत उमर करीब आए, कहने लगे पुत्र आप क्यों नहीं दौड़े। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर छोटे से हैं, कहने लगे जी क्यों मैं दौड़ता, मैंने कोई जुर्म किया, कोई मैंने गलती की है, भला क्यों दौड़ूं, आराम से खेल रहे हैं, और ना हमने कोई रास्ता बंद किया, जगह है आपने गुजरना तो गुजर जाए। चाहिए था ना हजरत उमर नाराज होते, पर जनाब उमर ने माथा चूम लिया, कहने लगे क्या बात है बेटा, इन चीजों पर जरा कायम रहना, कहने लगे जुर्म की है क्या मतलब है इस बात का कि फलाना है तो दौड़ जा, क्यों दौड़े जी। तो हमने जो कौम को सिखाना शुरू किया है ना, देखिये फकर और चीज है, दरवेशी और चीज है, सादगी, लेकिन जुल्म सहना और चीज है। दुनिया में कतील उसका मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। अपनी जिंदगी में अज़्म को, हिम्मत को, नजरिए को बुलंद करें, मजलूमाना मिजाज ना पैदा करें, बिला वजह दुख सुना सुना के अपने आप को कमज़ोर ना करें। याद रखें अगर हम अपने दुख किसी को सुना रहे हैं और अपने आप को बड़ा गरीब साबित कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे उसका बुरा असर ले जाए। खुददारी से जीना सिखाएं, इज्जत नफ्स सिखाएं, हर वक्त घर के अंदर, क्लास के अंदर, अपने दोस्तों की जमीयत के अंदर कमज़ोर बातें ना करें, रो धो के वक्त ना गुजारें। रोने से भी रात गुजर जाती है, हंसने से भी रात गुजर जाती है, ना शुक्री से भी दिन बीत जाता है और शुक्र से भी, लेकिन बस बात इतनी है कि शुक्र वालों का ज़रा सही बीत जाता है, हंसने वालों का ज़रा सही बीत जाता है। ज़िंदगी में अज़्म के साथ, हिम्मत के साथ, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, माशाल्लाह, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, हमने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता करे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।